भागवत जी के पांच सूत्र फिर से बताता हूं। सबसे पहला सूत्र जो मैंने कल कहा था कि भोजन को बनाते और पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना मिले तो वो भोजन नहीं करना। दूसरा जो सूत्र था भागवत जी का कि खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खाना। तीसरा सूत्र कि खाना बनाने का जो सामान है जैसे गेहूं का आटा, चने का आटा, दाल का आटा या तो बाजरी, मक्की वगैरह वगैरह, माने गेहूं का आटा 15 दिन पुराना तक खा सकते हैं, और ये जो मोटे अनाज कहे जाते हैं ज्वारी है, बाजरी है, मक्की है, ये 7 दिन पुराने से ज्यादा ना हो। मतलब यह है कि घर में 15 दिन से पुराना आटा नहीं रखना, सीधा सा सूत्र है। चौथा सूत्र है भागवत जी का कि आप अपने शरीर श्रम को 60 साल की उम्र तक कम मत करिए। मतलब यह है उन्होंने एक उम्र बनाई है, बच्चा जब पैदा हुआ और 18 साल तक उनका एक कैटेगरी है, 18 साल से लेकर 60 साल उनकी दूसरी कैटेगरी है, और 60 साल के बाद 100-125 साल उनकी तीसरी कैटेगरी है। तो भागवत जी का सूत्र यह है कि 60 के आगे की जो कैटेगरी वाले लोग हैं 60 से 100-125, इनके जीवन का श्रम कम होते जाना चाहिए उम्र के साथ। ये ज्यादा श्रम ना करें तभी अच्छा है, इनको आराम ही करना है। तो 60 से आगे की उम्र वाले श्रम को कम करते जाएं उम्र के हिसाब। 18 से 60 के बीच के जो लोग हैं ये अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, और 1 साल वाले माने जिनका जन्म हुआ है और 18 साल वाले, इनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी उम्र जो है ज्यादा श्रम करने की वहां है जो इनको खेलने के रूप में है। आप वो माने कि श्रम है, जैसे बच्चा खेल रहा है ये उसका श्रम है, तो आप उनको ज्यादा खेलने दीजिए। मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलकूद ज्यादा करने दीजिए, वो उनका श्रम है। 18 से 60 की उम्र में ऐसा श्रम जिससे उत्पादन भी होता हो, चक्की चलाई तो आटा बन गया, सिलबट्टा चलाया तो चटनी बन गई, माने उत्पादन कुछ ना कुछ हो। तो उत्पादक श्रम 18 से 60 के बीच में कम मत करिए, 60 के बाद इसको कम करते जाइए, और 18 से 1 साल के बीच के बच्चों को उत्पादक श्रम मत कराइए। और आखिरी सूत्र कि आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखिए, आबो हवा का ध्यान रखिए, वातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे हैं, माने भौगोलिक परिस्थिति, एक शब्द में मैं अगर कहूं तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो आपकी जो आबो हवा है इसका ध्यान रखिए। इसका ध्यान कैसे रखना, मैंने आपसे उदाहरण के रूप में कहा था कि भारत गर्म देश है और कनाडा ठंडा देश है। गर्म देश के लोगों में हमेशा वात की प्रबलता रहती है, शरीर का दोष है, अब उसको क्या करेंगे, वात की प्रबलता रहे ही पित्त और कफ आपका हमेशा कम रहेगा, इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे ज्यादा है। भागवत जी कहते हैं कि भारत के लोगों को लगभग 70-75% रोग वात के हैं, 12-13% लोग रोग पित्त के हैं, और 10% रोग कफ के हैं। कफ के रोग हमारे यहां सबसे कम है, पित्त के थोड़े ज्यादा, वात के सबसे ज्यादा, क्योंकि हम गर्म जगह रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि गर्म जगह में ऐसे काम मत करिए जिससे वात बढ़े। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, माफ करिएगा ये उदाहरण देते हुए, आप दौड़ लगाते हैं रनिंग, इसमें वात सबसे ज्यादा बढ़ता है। हमारे यहां आजकल एक फैशन आया मॉर्निंग में दौड़ो, दौड़ना नहीं है चलना है। चलने और दौड़ने में अंतर आप समझते हैं, दौड़ने में ऊर्जा बहुत शरीर की, गर्मी बहुत शरीर की बढ़ेगी और वात को बढ़ाएगी, वात बढ़ेगा तो ये घुटने बहुत जल्दी आपके थकेंगे। तो भागवत जी बहुत गहरी बात कह रहे हैं, जहां रहते हो वहां की आबोहवा और तासीर को ध्यान में रखो। हमारी आबोहवा गर्म है, गर्म हवा में वात बढ़ता है ये याद रखो, तो वात बढ़े ऐसा कोई काम मत करो। और यूरोप वालों के यहां क्या है, कफ बहुत बढ़ता है क्योंकि ठंड है, ठंड में हमेशा कफ बढ़ता है, तो ठंडे लोग हैं, ठंडे देश हैं, ठंडा आबो हवा है तो कफ बहुत बढ़ेगा, तो वो उसका ध्यान रखें जो कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कि कफ मत बढ़ने दो। अब वात ना बढ़े हमारा, कफ ना बढ़े यूरोप और अमेरिका वालों का, तो सारी दुनिया निरोगी। पित्त जो है वो सम में वैसे भी रहता है, पित्त जो है ज्यादातर सम में ही रहता है। तो ये पांचवा सूत्र है।
कल मैंने एक ही सूत्र का आपके सामने विश्लेषण किया था, भागवत ऋषि का लिखा हुआ, कि जिस भोजन को बनाते और पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कभी नहीं करना। इस विश्लेषण में से शुरू हुआ कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता, तो सबसे पहली चीज निकल के आई प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का खाना ना खाएं, कल मैंने बहुत विस्तार से बता दिया, आज सिर्फ दोहरा रहा हूं याद रखने के लिए। और उसके विकल्प के रूप में मैंने आपसे कहा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि ये जो मिट्टी है इसमें 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। कैल्शियम मिट्टी में है, आयरन मिट्टी में है, सिलिकॉन मिट्टी में है, सल्फर मिट्टी में है। आपके शरीर को हर दिन 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनको आप अलग अलग भाषा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको विटामिन्स चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमको फैट्स चाहिए। ये डॉक्टर कहता है ना आज की भाषा में कि आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए आपको, फैट्स ज्यादा चाहिए। तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसायन शास्त्र की भाषा में मैंने आपको समझाया कल, और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको मिल जाने से आपके भोजन को संपूर्णता मिलती है, माने भोजन पूर्ण होता है। और संयोग से या प्रकृति के कुछ ऐसे नियम से ये सारे तत्व मिट्टी में हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्ञान का, जिस वस्तु को खेत में कृषि भूमि में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है रसोई घर में भी उसको ज्यादा समय में ही पकाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल खड़ी है 7-8 महीने में तैयार होती है, 7-8 महीने धीरे धीरे उसने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के रूप में कुछ केमिकल्स उसने लिए मिट्टी से, ये 7-8 महीने तक लेते रहे अरहर की दाल के दाने उसकी जड़ों की मदद से तने की मदद से। अब वो दाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए। जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं, जो बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से अंदर गए हैं, इनको वापस आपके शरीर में आने में संभावना नहीं है, वो टूटेंगे तो आपके लिए उपयोगी उतने नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा कि प्रेशर कुकर में बाष्प का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दाने टूटते हैं, पकते नहीं है वो टूटते हैं, और टूटे हुए दाने गर्म पानी है नीचे से वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो पक गए हैं, वो पके नहीं है वास्तव में, वो सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं। पकने से मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रकृति ने दी है पोषकता वो आपको मिलने की स्थिति में आ गई या नहीं, तब हम उसको कहते हैं कि ये पक गया है, चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे अरहर का दाना हो या तुअर का। तो ये बात अगर आपके ध्यान में आती है कि पकना मतलब क्या होता है और उबलना मतलब क्या होता है, एक शब्द है उबलना, उबलना होता है प्रेशर कुकर में, पकना होता है मिट्टी की हांडी में, क्योंकि मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे पकती है हर चीज। कारण क्या है, मिट्टी जो है ना ऊष्मा की कुचालक है, आप में से जो विद्यार्थी है वो जानते हैं, बैड कंडक्टर है, ऊष्मा की कुचालक है, माने मिट्टी को कोई चीज जल्दी ऊष्मा के रूप में मिलेगी नहीं, धीरे ही धीरे मिलेगी, तो धीरे ही धीरे फिर दाल पकेगी, और दाल पकेगी तो धीरे धीरे उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ आएंगे, फिर आप वो खाएंगे तो आपके शरीर को पूरी पोषकता मिलेगी। और भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं, उनकी पोषकता आपको मिले इसके लिए बनाई। ये जो दाल बनी है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का ऊपर का हिस्सा है जो आप खा रहे हैं फल के रूप में, बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहे हैं। तो भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है, गेहूं है, गेहूं का ऊपर का हिस्सा है वो आप खा रहे हैं, बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते हैं वो जानवर खा रहे हैं, और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है जिसको जड़ कहते हैं वो धरती के लिए होता है, मिट्टी के लिए होता है। प्रकृति ने बहुत सोचकर ये सब बनाया, भगवान ने बहुत सोचकर बनाया। मनुष्य के लिए एक हिस्सा, उसमें से थोड़ा आप चाहें तो पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो मनुष्य और पक्षियों के लिए एक हिस्सा, जानवरों के लिए दूसरा हिस्सा, और प्रकृति की धरती या मिट्टी के लिए तीसरा हिस्सा।
हर एक फसल में यही देखेंगे आप। तो जो आपके लिए बनाया है भगवान ने वो बहुत सोच समझकर बनाया है, जो जानवरों के लिए है वो भी सोच समझकर है और मिट्टी के लिए, तो उसका अगर जीवन में फायदा उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। और बागवत जी इसी के लिए शायद ये सूत्र लिख कर गए। तो कल बहुत ज्यादा बात हुई प्रेशर कुकर के बारे में, आज मैं थोड़ी सी बात करता हूं कल से जुड़ी हुई रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, पवन का स्पर्श नहीं होगा। आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो काम करता है उसके एक बुनियादी सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आपके कमरे का जो तापमान है, उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा। अब ये प्रकृति की मदद से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति की मदद से तो आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री या 22 डिग्री 25 डिग्री है, तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो ऐसी गैस रसायन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती हैं, उन गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करेगा। और एक दो नहीं, ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFCs कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रसायन शास्त्र की डिक्शनरी निकाल कर देखें, आप में से जिन्होंने पढ़ा है केमिस्ट्री उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डिक्शनरी निकाल कर देखें, क्लोरीन, क्लोरीन के सामने लिखा हुआ है जहर। सीधे डिक्शनरी देखें, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक डिक्शनरी खरीद लें केमिस्ट्री की और क्लोरीन शब्द देखें तो सामने ही लिखा हुआ है जहर, और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर का बाप। आप जानते हैं कि शरीर का ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, प्राणायाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं? रख लीजिए इसको अंदर, अगर इससे इतना ही प्रेम है कि रेफ्रिजरेटर लाके आपने घर के सबसे अच्छे स्थान पर रखा है जो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड से ही खेल रहा है, तो आप अंदर की कार्बन अंदर ही रख लीजिए, बाहर मत छोड़िए, बहुत प्रेम है आपको इससे, तो आप मर जाएंगे। शाम नहीं लगेगी, रात नहीं लगेगी, मिनट में मर जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मार डालेगी इसको बाहर निकालते रहना है। अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्थ रहें। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिनती होती है। अब ये तीनों, कार्बन से मिला हुआ, क्लोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ, 12 गैस एक साथ रेफ्रिजरेटर छोड़ता है। CFC1 गैस का नाम है, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी CFC12 तक 12 गैसें एक साथ छोड़ता है, 24 घंटे छोड़ता रहता है, क्योंकि वो चालू है आपके घर में। अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है। आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढककर रखा है, कितना भी ढक के रखिए, क्योंकि गैसों का असर इतना तीव्र है कि स्टील को तोड़ के निकल जाने वाली गैसें हैं। स्टील के मोटे पट्टे को रख दीजिए, उससे निकल जाने वाली गैस है हाई प्रेशर। तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे उसमें रख के फिर खा रहे हैं तो माफ कीजिए, आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं। बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तात्कालिक और दूसरा है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो 5-7 साल में पता चला देगा, तात्कालिक खाएं तो 1 मिनट में आपको पता चल जाए। तो इसलिए मेरी आपको विनती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए, सबसे अच्छा है बंद करिए, और मेरी बात माने तो बेच दीजिए, कोई भी सेकंड हैंड खरीद लेगा, और नहीं बिकता तो लोहे के भाव में बेच दीजिए, तो भी आप फायदे के सौदे में रहेंगे। क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है, लालच पता है क्या है? अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन सवेरे, अगले दिन का शाम को, ये चक्कर चलता रहता है।
और ये चक्कर में खाने का पोषकता का नाश होता रहता है। और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। हर वस्तु के आविष्कार के पीछे कारण होता है, तो इसका कारण था ठंडे देशों की, ठंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आबोहवा। आप जानते हैं कि ये ठंडे देश हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है। आप कभी एक अनुमान करने के लिए प्रयोग करिए, मैंने किया था, मैंने एक प्रयोग किया था कि एक बार मैंने क्या किया, बर्फ का सिल्ली 1, 2, 3 चारों तरफ से लगा के मैं उसके बीच में लेट गया तो 15 मिनट में मेरा शरीर अकड़ गया, 15 ही मिनट में, जबकि मैंने खूब प्राणायाम और ये सब किया, 15 मिनट में शरीर अकड़ गया। और उस दिन मैंने मेरी बायोकेमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया तो मैं बहुत ही परेशान था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बर्फ के तापमान में 6-6 महीने सोते हैं, रहते हैं, लेटते, उनका क्या होता होगा। 8-8 महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों, धूप नहीं निकलती, टेम्परेचर नहीं होता और यही परिस्थिति में उनको सोना पड़ता है, तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी, क्योंकि शरीर भोजन से ही है। तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो, उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई और उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर को हम प्रकृति के रेगुलेशन में है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको हम कंट्रोल कर सकें, हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें, घटा सकें, इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना। तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है, कोई उन्होंने बहुत आगे प्रोग्रेस करके ये बनाया ऐसा नहीं है, उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी में से ये निकला। और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपैथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज्यादा तापमान पे खत्म हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खत्म हो जाती है। बहुत सारी दवाएं एलोपैथी में ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं, माने उन दवाओं का असर नहीं रहता, लो टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं। तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे, इसके लिए फ्रिज बना, वो पानी रखने के लिए नहीं बना, दाल रखने के लिए नहीं बना, सब्जी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना। और आपको एक और जानकारी दूं कि यूरोप में ये जब आविष्कार किया सबसे पहले तो मिलिट्री के लिए इसका उपयोग हुआ था और मिलिट्री के लिए ही ये बना था, क्योंकि आर्मी के जो सैनिक हैं वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए, जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेम्परेचर की मिलनी चाहिए, इसके लिए ये फ्रिज आया, ये हमारे लिए नहीं बना, हिंदुस्तान के लिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और यूरोप में एक दूसरी समस्या है, आप जानते हैं कि जहां 6 से 8 महीने बर्फ पड़ेगी वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी। मान लीजिए ये जो समय है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब वहां बर्फ का समय है। अब इस बर्फ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए, नहीं मिलेगा, टमाटर चाहिए, नहीं मिलेगा, भिंडी चाहिए, नहीं मिलेगी, गाजर चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा उनको। बर्फ मिलेगी, खा लो तो खा लो, नहीं तो उसको गर्म करके पानी बना लो, और कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है। जब मिल रहा है तो इकट्ठा खरीदो और स्टोर करके इसको रखना शुरू कर दो। अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में, और ऐसे लोगों के घर में भी ले आया जो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनके ही घर में फ्रिज। मैं कहता हूं प्रोफेसर साहब आप ये क्या गजब कर रहे हैं, आप तो जानते हैं, क्या करें, पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, तो आपकी केमिस्ट्री पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक, तो कहते समझती नहीं। तो मैंने कहा फिर आप प्रोफेसर क्यों हो गए, जो आप अपनी पत्नी को केमिस्ट्री नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे, आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो मुश्किल यह है कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो रहे, अपने जीवन में नितांत विज्ञान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है रेफ्रिजरेटर। तो मेरी विनती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाइए क्योंकि वो जहर हो जाता है।
तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है और शायद बाघभट्ट ने भी ये नियम लिखा है बहुत रेखांकित करके। वो ये कहते हैं, अब मैं दूसरे नियम पर आ रहा हूं, पहले नियम खत्म हो रहे हैं अब दूसरे पर मैं जा रहा हूं। बाघभट्ट जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना, कोई भी खाना, दाल बनी, चावल बना, रोटी बनी, बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए। यह दूसरा नियम, दूसरा सूत्र है। कोई भी खाना बना, बनने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग माने कंजम्पशन हो जाना चाहिए। रोटी बनी, बन गई, अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए। चावल बन गया, 48 मिनट में खा लीजिए। दाल बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। खीर बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। सिवई बन गई, 48। ये 48 मिनट का चक्कर क्या है? 48 मिनट, 40 मिनट भी नहीं, 50 मिनट भी नहीं, 48 मिनट। तो बाघभट्ट जी का जीवनी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। आयुर्वेद के तो चिकित्सक थे ही, मैथमेटिक्स के बड़े पंडित थे। तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन किए हैं वो सब इसी तरह के हैं, 42 मिनट। अब ये जो मिनट है ये मैंने जोड़ा है, बाघभट्ट जी ने लिखा है 48 पल। हमारे यहां जो होता है ना, पल होता है, क्षण होता है, प्रतिपल होता है। हमारे यहां जो समय की नापने की डिग्रियां हैं वो पल है, क्षण है, प्रतिपल है, वगैरह वगैरह। ये जो मिनट का चक्कर है ये तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है। ये मिनट आपको समझता है, पल समझता नहीं, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। हालांकि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है, एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है। अगर बाघभट्ट जी के कैलकुलेशन में करूं तो एक मिनट का 52वां हिस्सा एक पल है। और बाघभट्ट जी कहते हैं कि लगभग भोजन बनने के 50 पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, तो मिनट मैंने कैलकुलेट किए तो वो 48-47 के आसपास आता है। ये कैलकुलेशन है। तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजिए तो आपके लिए सबसे ज्यादा पोषकता देने वाला है। जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोषकता कम होने लगती है। अगर आपने 6 घंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोषकता कम हो जाएगी, 10 घंटे के बाद और कम हो जाएगी, 12 घंटे के बाद बिल्कुल ना के बराबर, और 24 घंटे के बाद तो खत्म, बासी हो गया। बासी शब्द है ना, ये बाघभट्ट जी का है, 3,500 साल पहले ये शब्द था, बासी हो गया जी। और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं। बाघभट्ट जी ने एक बहुत अच्छे मजे की बात लिखी। उन्होंने कहा भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का, इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप ये खा सकते हैं, 364 दिन नहीं खा सकते, एक ही दिन खा सकते हैं। और वो एक दिन का उन्होंने बहुत पक्का कैलकुलेशन किया है कि उस दिन शरीर के वात पित्त और कफ की अवस्था क्या होती है, उसके अनुसार बासी भोजन चलता है। तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है, उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा, आप पता नहीं क्या कहते। एक ही त्योहार है अपने देश में जिस दिन हम बासी खाना ही खाते हैं। और ये जो त्योहार है, इस जो दिन पड़ता है, ये कार्तिक अगहन पूस माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है, बाघभट्ट जी का दिन भी वही पड़ता है। तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है। त्योहार ऐसे ही नहीं तय हो गए, इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन, इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है। बाघभट्ट जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में तीन दोष हैं, वो आप सब जानते हैं, वात पित्त और कफ। इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो वात पित्त कफ तीन दोष हैं, ये समान स्थिति में रहे तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित्त और कफ कम हो गया, पित्त बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, ऊपर नीचे हो तभी रोगी होते हैं आप, तभी रोग पैदा होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है 365 में से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये वात पित्त कफ की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जो विचित्र लगती है, माने होनी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बाघभट्ट जी कहते हैं कि उस स्थिति को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए जिसकी पोषकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो प्रोटीन सब खत्म होगा तब जब खाना बहुत
पुराना हो जाए। तब मेरे समझ में आया कैसी वैज्ञानिकता है। तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं। अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की बिजली क्यों खर्च करना उसके, और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना। और आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है, दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं, CFC-1, CFC-2, CFC-3, CFC-12 तक। तो सारे दुनिया के देश परेशान हैं कि क्या करें क्या करें। अभी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 7 दिन का सम्मेलन हुआ, अमेरिका, जर्मनी, भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 7 दिन झक मार रहे थे यही बात के लिए कि भाई सीएफसी का प्रोडक्शन कम कैसे किया जाए। तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजिए, ये प्रोडक्शन कम होने के लिए फ्रिज की जरूरत बंद करने की है तो ये प्रोडक्शन कम होगा। तो इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि फ्रिज का भी खाना ना खाएं, समय का ध्यान रखें। ये बात हमेशा याद रखें कि बना हुआ खाना 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। अब ये 48 मिनट का जो कैलकुलेशन है, कल मैं इस पर आपसे और ज्यादा विस्तार से बात करूंगा क्योंकि एक सूत्र कल आएगा, आज बस इतनी सी बात। और एक तीसरी बात जो मैंने कल आपसे शुरू की थी, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन भी कुछ इसी तरह का किस्सा है। इसमें भी टेम्परेचर को आप कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं ना गर्म करने के लिए, तो वो चीज का एक हिस्सा गर्म होता है, पूरा नहीं होता। गर्म होने के लिए हमारी जो कल्पना है वो चारों तरफ से एक साथ एक जैसा टेम्परेचर आए, वो पानी ही कर सकता और कोई चीज नहीं है दुनिया। पानी गर्म करके उसमें कोई चीज डालें तो सही गर्म होती है, और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम नहीं। और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहां बहुत ठंडी है, आपके लिए नहीं है क्योंकि यहां तो बहुत गर्मी है। तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहता हूं, आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है, वो बदल दीजिए। ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मजबूरी की चीजें हैं। कहते हैं ना मजबूरी में हमने ये किया, मजबूरी में हमने ये किया। तो आप मान लीजिए कि मजबूरी में फ्रिज लाया, मजबूरी में माइक्रोवेव ओवन लाया, मजबूरी में प्रेशर कुकर लाया। ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है या मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन है या मेरे घर में, आप इसको शर्म से बताइए कि मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी, उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था, मेरा विवेक शून्य हो गया था, तो मैंने मेरे खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया। तो ये इस तरह से कहना जब शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में आपकी भावना अपने आप बदल जाएगी और ये चीजें आपके बाहर निकल जाए। ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है ये जैन दर्शन में भी है। आप में से कोई भी जैन समाज के लोग होंगे तो मेरी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। जितने भी जैन साधु संत हैं उनके मुंह से आप यही सुनेंगे, पानी में 48 मिनट के बाद जीव राशि पैदा हो जाती है और वो जीव राशि फिर बढ़ती ही चली जाती है, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों में चली जाती है, तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जीव हत्या होती है और उसका पाप लगता है। तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है और बागवत जी ने इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है, मूल बात एक ही है। शायद जैन दर्शन में अहिंसा से इसको इसलिए जोड़ा होगा कि धर्म से जाएगा जुड़कर तो जल्दी समझ में आएगा, भागवत जी ने इसको शरीर स्वास्थ्य से जोड़ा है तो थोड़ा देर में समझ में आता है क्योंकि हमारा चित्त और मन धर्म के प्रति थोड़ा आकर्षित है क्योंकि हमारे डीएनए में ऐसा है। भारत का जो डीएनए है वो ऐसा ही है जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंत समझ में आए, विज्ञान थोड़ा पीछे से आता है। इसलिए इस देश में धार्मिक लोगों की पूजा होती है, वैज्ञानिकों को कोई पूछता वूछता नहीं है, वो ऐसे ही बेचारे घूमते रहते हैं। कभी आप जैसे लोग उनको माला वाला डाल दे तो ठीक हो गया, वरना इस देश के वैज्ञानिक कहां मरते हैं कहां खपते हैं कौन जानता है कौन पूछता है। लेकिन साधु संन्यासी महात्मा इतने पूजे जाते हैं इस देश में जिनके पीछे आप कुछ नहीं जानते उनका इतिहास उनका भूगोल, तो भी आप उनके चरणों में लौटते रहते हैं, वो आपके डीएनए का दुश्मन है, मेरे डीएनए का दोष है, आपके डीएनए का दोष है, क्योंकि डीएनए ऐसा है इस देश में। कभी मौका मिला तो इस पे बात करूंगा कि गर्म देशों का डीएनए और ठंडे देशों का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। ये जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं ना, इनका जो डीएनए है
और हमारा जो हम भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में रहने, इनका बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनिया के गर्म देश हैं सारे धर्म यहीं से निकले। आपको मालूम है ईसाइत यहीं से निकली, पूर्व से ही निकली, इस्लाम भी पूर्व से निकला, हमारा हिंदू धर्म जिसको सनातन मानते हैं ये भी पूर्व से निकला, पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं। ईसाइत निकलने का स्थान बेथलम है ना, बेथलम इसराइल, वो पूर्व में है। ईसाइत के बाद इस्लाम के निकलने का स्थान वो भी वही है बेथलम में, वो एक ही स्थान के लिए मर रहे हैं कि ये मेरा कि ये तेरा, और लड़ाई 60 साल से चल रही है और वो 10 स्क्वायर फीट की जगह है बस। हां 10 स्क्वायर फीट की जगह में 33 करोड़ मर गए और छोड़ना नहीं चाहते, ये मैं ले लूं कि ये तू ले ले, ये फिलिस्तीन का कि ये इसराइल का। तो ये फिलिस्तीन और इसराइल यूरोप में नहीं है, एशिया में है, और एशिया दुनिया के पूर्व में है। तो सारे धर्म पूर्व से ही निकले हैं क्योंकि पूर्व का डीएनए कुछ इस तरह का है। पश्चिम से धर्म निकला नहीं कोई क्योंकि डीएनए दूसरे तरह का है। तो ये डीएनए का दोष है, हम धर्म को मानते हैं, इसलिए शायद जैन शास्त्रों में जैन आचार्यों ने जैन संतों ने इसको धर्म से जोड़ दिया। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान की बात है, इसको विज्ञान से पहले समझकर धर्म में आप पालन करेंगे तो आपका विश्वास इस पर पक्का होगा। इसलिए ये 48 मिनट याद रखिए, सब माताएं बहनें और भाई याद रखें, भोजन पका तो 48 मिनट में हो ही जाना, खा ही लेना। इसलिए शायद पुरानी परंपरा हमारे देश में है गर्म खाना खाओ माने वो 48 मिनट के पहले हो जाए, गर्म गर्म रोटी बना के खिलाओ या गर्म गर्म रोटी खाओ। आपको शायद मालूम नहीं है, आप में से जो यूरोप और अमेरिका ज्यादा घूमते हैं वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि गर्म रोटी का महत्व तो क्या है, क्योंकि यूरोप में नहीं मिलती, अमेरिका में नहीं मिलती, दुनिया के 56 देशों में गर्म रोटी नहीं मिलती क्योंकि उसको बनाना नहीं जानता कोई। दुनिया की आबादी 600 करोड़ है, 600 करोड़ आबादी में 300 करोड़ महिलाएं 300 करोड़ पुरुष अगर मान लें तो 300 करोड़ महिलाओं में लगभग 250 करोड़ महिलाएं नहीं जानती कि गर्म रोटी कैसे बनती है। उनके पास गेहूं का आटा है, गेहूं है, गेहूं का आटा भी है क्योंकि यूरोप के कई देशों में गेहूं है, अमेरिका में गेहूं पैदा होता है, कनाडा में भी गेहूं पैदा होता है, गेहूं ठंडी की फसल है तो ठंडे देशों में होता, तो गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, रोटी बनाना नहीं आता। क्यों? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहां जो सिखाए इसको, कोई कॉलेज नहीं है जो सिखाए इसको, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, और कोई मां नहीं है जो अपनी बेटी को सिखाए, क्योंकि मां को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए। और हजारों लाखों सालों से वहां ये चक्कर चल रहा है, रोटी बनाना नहीं आता। किसी यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति के बारे में अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दंपत्ति आए फिनलैंड से, एक पति और एक पत्नी दोनों आए। उन्होंने कहा मुझे भारत का गांव देखना है, तो हमने एक गांव में भेज दिया। संयोग से जिस गांव में गए वहां शादी थी, तो हमने कहा उसमें भी आप शामिल हो जाइए तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे, कोई पूड़ी बना रहा है, तो गांव में तो आप जानते हैं ना नौकर नहीं बनाते, सब गांव इकट्ठा होके बनाता है। जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं, दूसरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, सब एक ही घर में खाते हैं। तो सब महिलाएं बना रही थी, तो उस फिनिश दंपत्ति ने पूछा ये सब कितना पैसा लेंगी, तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है, कंपटीशन से नहीं चलता ये देश। हमारे समाज में कोऑपरेशन है, कंपटीशन नहीं है। तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है, 100% गोल। उसकी जिंदगी में ये कल्पना नहीं है कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है। वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कह रहे हैं ये हाथ से बनाते हैं 100% गोल। तो उसका जितना कैमरे में रील थी उसने सब उसी पे खर्च कर दी गोल रोटी बना के देखने में उसको। माने आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है, उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए। और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी, तो उनका ये जो रोटी है गोल ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है। और आपके घर में हर माँ बहन इसको बना सकती है, 10-12 साल की बहन भी आसानी से बना सकती है। इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गर्म ये भारत में ही संभव है,
दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है, गरम रोटी, और उसको आप छोड़कर ठंडी करके खाएं तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। तो रोटी को गरम गरम ही खाएं, गरम गरम ही खिलाएं। यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं, क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं। वहां तो बेचारे तीन तीन महीने पुरानी रोटी खाते हैं, जिसको डबल रोटी कहते हैं, पाव रोटी कहते हैं। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते अमेरिका और यूरोप में। पता है क्या कि गेहूं हर जगह होता नहीं, कुछ जगह होता। तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भर के वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई हैं, फ्लोर मिल्स, वहां उनका आटा बनता है। फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहां जाता है, फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है, फिर वो वहां से बनकर कहीं और जाती है, फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भागवत जी कहते हैं कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। आटे के बारे में वो कहते हैं जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। रोटी के बारे में कहते हैं 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। और पिसा हुआ आटा, वो ये कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना, 15 दिन मैक्सिमम, वो भी गेहूं के लिए। ये चना और मक्की और ज्वारी, इसके लिए तो 7 ही दिन कहा हुआ, 7 दिन से ज्यादा पुराना नहीं खा सकते, क्योंकि वही किस्सा है, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी लगातार कम होती चली जाती है। तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं, चक्की है, जिंदाबाद। हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं। जो माताएं यहां बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपना गांव देखा होगा, अपने गांव के घर की चक्की देखी होगी। ये चक्की पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये क्या अद्भुत चीज बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने। ये दुनिया की ऐसी अद्भुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है आपके शरीर की स्वास्थ्य के लिए, और आपके अंदर की मांसपेशियों को हमेशा फ्लेक्सिबल रखती है। और हमारे घरों में ये जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही हैं, मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पिछले साल पूरा किया। मेरे एक दोस्त हैं आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके साथ मिलकर, वो गांव में रहते हैं, तो मैंने कहा आप गांव की कुछ महिलाओं पर अध्ययन करिए कि जो चक्की चलाती हैं, इनके बारे में जरा पता करिए। और जो चक्की नहीं चलाती, पिसा हुआ आटा लाती हैं, तो उन्होंने कहा जो चक्की चलाने वाली माताएं हैं उनके गांव में 90 माताएं हैं, किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है। चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है, चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है, गर्दन नहीं दुख रही है, नींद अच्छी आ रही है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, 48-50 बीमारियां नहीं है। और जो माताएं पिसा हुआ आटा ला रही हैं, कैप्टन कुक, ITC का, उनके घरों में डायबिटीज भी है, अर्थराइटिस भी है, हाइपरटेंशन भी है, ये भी है वो। तो मैंने वो वैद्य जी को कहा कि आप क्या मानते हैं ये जो चक्की चलाने वाली माताएं, ये ऐसा क्या विशेष काम कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे समझाया, वो मेरे भी समझ में आया, आपको भी समझ। हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आए। सबसे ज्यादा दबाव पेट पे पड़ता है, हाथ पे इतना नहीं है, पेट पे दबाव है। और मां के पेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय आपके पेट के बिल्कुल बीचों बीच हिस्से में, चक्की चलाते समय सबसे ज्यादा जोर वहीं है। और गर्भाशय के बारे में आयुर्वेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गर्भाशय के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी माने मुलायमियत, अंग्रेजी शायद आप समझ जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मुलायमियत, इलास्टिसिटी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना, जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे। ये हमारे गर्भाशय का सबसे बड़ा गुण है, इसी गुण के कारण बच्चे का जन्म होता है। और ये गुण को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका है हलन चलन, वहां आसपास मांसपेशियां, उनका हलन चलन रहे। तो ये हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से, मैंने खुद चला के देखा चक्की, ये सबसे ज्यादा पेट के हिस्से में ही होता है। तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही हैं उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गर्भाशय की इलास्टिसिटी मेंटेन है। तो
तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है बिना किसी ऑपरेशन के। तब मुझे ध्यान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं उनके आठ आठ दस दस बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन। वो दाई आती थी गांव की जो एमबीबीएस नहीं है, एमडी नहीं है, एमएस नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी ऐसे ही जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया। हां ऐसे होता है। तो हमने इस बात को जब ध्यान दिया तब मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी और वो मिलके 15-16 साल से इसी विषय पे काम कर रहे हैं कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ऑपरेशन के बाहर कैसे लाया जाए। तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है कि ये सिर्फ चक्की की मदद से ही हो सकता है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि मां का गर्भ 7वें महीने तक चक्की चलाने की अनुमति देता है। मां को 7वें महीने तक चक्की चलवाई जा सकती है, 8वें महीने में नहीं, फिर उसको बंद कर देना अच्छा है। और उतने 7 महीने की चक्की आपके लिए पर्याप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो। और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख लें और जो सिजेरियन है उनके जीवन को देख लें, जमीन आसमान का अंतर है। सीजर बच्चे ज्यादा बीमार हैं, समय समय पर बीमारियां हैं। जो बिना सीजर हैं वो सब स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डेवलप करने की कैपेसिटी, कल्पनाशीलता उनमें दूसरे बच्चों से ज्यादा है। तो भागवत जी का सूत्र है कि खाना बना तो 48 मिनट में खाएं, और खाना बनाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आटा, गेहूं का आटा 15 दिन से ज्यादा पुराना ना खाएं, ज्वारी बाजरी और मक्की का आटा 7 दिन से पुराना ना खाएं। और वो ये कहते हैं कि रोज का हो तो सबसे अच्छा, सुबह बनाएं और शाम को आटा इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे अच्छा, ज्यादा दिन पुराना ना हो। तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को? अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजिए, संभव हो तो। इससे कई फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपके घर में मां है, कोई बहन है, उसको मां बनने के समय यह बहुत मदद करेगी चक्की। दूसरा, आपका वेट कम करने में बहुत मदद करेगी चक्की। अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट सुबह चक्की चलाया पर्याप्त है। 15 मिनट सुबह अगर आपने चलाया, 3 महीने बाद आप देखना 12-13 किलो वजन कम होगा आपका, सिर्फ 15 मिनट की चक्की। आप चलाते हैं कि नहीं? लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं? तो असलियत में ही चला लो, कुछ तो आटा तो मिलेगा। कम से कम आटा तो निकलेगा बाई प्रोडक्ट, यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे चला। अब आप बोलेंगे जी चक्की कहां मिलेगी? चक्की अभी भी मिल रही है, यहीं चेन्नई में मिलेगी। पत्थर बनाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि राजीव भाई ये कोई खरीदता नहीं, हम क्या करें, हमारा सिल बट्टा भी कोई खरीदता नहीं, चक्की भी कोई। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं बिकवाऊंगा आपकी चक्की, हाँ, और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूं। वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूं। ये मार्केट बनाने में भागवत जी की बड़ी मदद मिल रही है। तो आप चाहें तो एक चक्की ले लीजिए, बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती है। 15 मिनट आप भी चलाइए, महिलाएं भी चला सकती हैं, पुरुष भी चला सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि पुरुष ना चलाएं, महिलाएं चलाएं। महिला चलाएं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन है। एक्स्ट्रा गेन माने आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्गन है बॉडी में, यूट्रस, वो पुरुष को नहीं है, इसको मदद मिलेगी आपको फ्लेक्सिबल बनाए रहे। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया, वो माताओं बहनों को विशेष रूप से, उम्र के एक पड़ाव में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी तब आपको गर्भाशय के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यहीं से शुरू होगा कि आपको मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा, मेंसेस साइकिल आपकी बंद होगी, मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा। और उस पीरियड में जितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बच्चे के जन्म के समय भी नहीं होते कभी। और कई कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे हैं जिनको कोई मां समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से पसीना आएगा, पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में तमतमा जाएगा चेहरा, एकदम गर्मी, फ्लैशेस,
समझ में नहीं आता किसी माँ को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था, अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी। इतने वेरिएशन होते हैं, मिनट मिनट में वेरिएशन होते हैं। मन आपका इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिल्कुल बेकार है, इसमें क्या करना जिंदा रह के। ये डिप्रेशन, तनाव मन में होगा, अवसाद मन में होगा, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बनते जाएंगे। कारण उसका एक ही है कि कुछ हार्मोन्स आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किलें ये सब आती हैं। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, 45-50 साल की उम्र में हर माँ को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो दूसरे जन्म की समस्याएं हैं, इनको जिंदगी में खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बागवत जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूं। तीसरा सूत्र विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है, इसमें परमानेंट कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो हो ही गए, उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन बागवत जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मां के रसोई घर के जो उपकरण हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी मदद आप ले सकते हैं। तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने कहा चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा है ना, ये दूसरा बड़ा उपकरण। अगर आप, मैंने सिलबट्टा चला के देखा तो इस सिलबट्टे को चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे ही आता है, चक्की चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे आ रहा है। तो ऋषि मुनियों ने ये चक्की का आविष्कार जब किया होगा और सिलबट्टे का आविष्कार किया होगा तो किसी मां को ध्यान में रखकर ही किया होगा, ये पक्का है। अब नियमित रूप से आप सिलबट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है, तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खा खा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा दवाओं के साइड इफेक्ट हैं कि मोटापा बढ़ेगा। एक एचआरटी टेक्निक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ज्यादातर माताएं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उम्र में, हाथ जोड़कर विनती है कि कभी ना जाएं। और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ने से, बढ़ेगा ही, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेडिसिन है वो सब मेद बढ़ाने वाली है, मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने वाली। तो आप अगर एचआरटी से बचना चाहते हैं और दवा नहीं खाना चाहते हैं तो 15 मिनट की चलाइए ना सवेरे सवेरे चक्की, 15 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है। 15 मिनट में जितना गेहूं पिस गया, जितना चना दाल पिस गया, अच्छा है। फिर आप बोलेंगे हमारे यहां तो एक एक घंटे चलाते थे, वहां उस समय शायद लोगों का शरीर भी इतना मजबूत था, तंदुरुस्ती भी इतनी अच्छी थी, घी दूध भी अच्छा खाने को मिलता था, तो वो एक एक दो दो घंटे चला सकते थे। आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनट भी आपने चलाया, या तो सिलबट्टा या तो चक्की, तो जिंदगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली है। तो विज्ञान के साथ रसोई सबसे ज्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है। तो तीन सूत्र अभी तक मैंने आपको बागवत जी के बता दिए, और इन तीन सूत्रों में एक छोटी सी जानकारी और कि आप पुरुष भी चाहें तो, जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो, तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह, आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही, आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या 1,00,000 रुपए का स्टाम्प पेपर, दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं बात अलग है, कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं, और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है, क्योंकि जिम्नेजियम की जो एक्सरसाइजेज है और वहां जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन, वो आपसे मेल नहीं खाती। आप पता है क्या मेल नहीं खाती, जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं, और चक्की और सिलबट्टा
ये स्पीड कम है, धीरे 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 हमका हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में, ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। वायु माने वात, पित्त और कफ शरीर में तीनों है, गर्म देश के लोगों में वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो, ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए भारत में यह कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो, इसलिए यहां के जो डांस है ना उनके स्टेप्स जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो। और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है, ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं। तो वायु बढ़ानी है उनको पित्त और कफ को समान रखने के लिए, तो हर चीज वो फास्ट करेंगे, उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे। आप देखो रशियन बैले होता है ना, क्या फास्ट स्टेप्स वो करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा, उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। इसलिए हमने चक्की बनाई, सिलवट्टा बनाया, बैलगाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए, बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात बढ़ता है, ध्यान रखिए इस बात को। बैलगाड़ी क्या है, पहिया ही तो है, मुख्य क्या है, पहिया है ना, तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। हम भी चाहते तो हवाई जहाज का पहिया बना सकते थे, जिसने सबसे पहला पहिया बनाया दुनिया में वो हवाई जहाज का भी बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं अपने को, अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया, क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है, हमारे यहां अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा। तो बैल जब बैलगाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है, तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे। इसलिए बैलगाड़ी में स्पीड स्लो रहे, स्पीड स्लो रहे, इसलिए बड़ा पहिया बनाया। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे ना पर मिनट, जिसको आप RPM रोटेशंस पर मिनट, जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी होगी। तो रोटेशन ज्यादा करने के लिए छोटे पहिए ही चाहिए, इसलिए हवाई जहाज में छोटे पहिए हैं। हमको स्पीड ज्यादा करनी ही नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैलगाड़ी का बड़ा पहिया बनाया। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। वो जो कहते हैं ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गर्म देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़ता है, तो इसको कम रखने के लिए, इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है, चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है ना एकदम फास्ट चलती है। अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, जो चार साल से पांच साल से हम कर रहे हैं, हमारा एक केंद्र है भीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं। भीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीख में, आगे और कोई बन जाए चेन्नई में तो शायद भगवान सुन लेगा। भीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाइए। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन है, वहां पर हमारा केंद्र चलता है, उसका नाम है स्वानंद। हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानंद है, हमारा ब्रांड नेम स्वानंद। तो उस केंद्र में हम चक्की चलाते हैं, चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे। और वो आटा भीलवाड़ा के 100 परिवार, 125 परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं। वो 100-125 परिवारों का सारा डाटाबेस हमने बनाया है।
अब वो 100-125 परिवारों को 4 साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं भाई क्या हो रहा है, तो कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गई। और क्या हो रहा है, कहते हैं जी घुटने का दर्द कम हो गया। और क्या हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है। और क्या हो रहा है, पित्त की बीमारियां कम हो गई हैं। और क्या हो रहा है, वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है, कम हो रही है, कम। मैंने कहा कुछ बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। क्या, बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा, मैं पूछा आप बताओ जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो चक्की का आटा इसकी रोटी इतनी नरम होती है और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है। और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा या 2 रोटी ज्यादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते, और ये बाजार के आटे की 1 रोटी भी ज्यादा खाई तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। माताएं ये कहती हैं, माताएं कहती हैं बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते। अब वो ये कहते हैं जी 1 केंद्र से 2 कर दो, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। 1 केंद्र 100 घरों का ये आटा बना पाता है रोज, क्योंकि 15-20 महिलाएं वहां चक्की चलाती हैं। हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड़ है, अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड़ है। अच्छा ये है कि हर घर में ये केंद्र हो जाए, इसमें तो अंत में हम कहां फंस जाएंगे। जगह जगह केंद्र बना के हम तो फंसने ही वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो, तो ये तो हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए। तो अब हमने वहां चक्की रखवाना शुरू किया, आप ले जाओ जी अपने घर में ये चक्की से आटा बना लो, आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी स्वस्थ रहे। तो वही मेरी आपको विनंती है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिलबट्टा भी वापस लाइए। मसाला पीसना है तो उस पर पीसिए, आपको चटनी बनानी है तो उस पर बनाइए, चटनी का स्वाद भी अच्छा होगा और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे रहे। और एक छोटी सी आखिरी बात, आज के लिए समय हो गया, आखिरी बात ये है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया रसोई में 20-25 वर्षों में, हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है। रसोई बीमारियों का कारण नहीं है, रसोई तो बागवत जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान, लेकिन उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया, पहले चक्की होती थी, सिलबट्टा होता था, अब मिक्सी आ गई या तो हमने कोई मशीन ले ली, और अब तो मशीनें रोटी बनाने की भी आ गई, रोटी बनाने की भी मशीन हमने ली। तो रसोई घर में जितनी हमने बदलाव लाया टेक्नोलॉजिकल, ये सब बदलाव ने हमको बीमार बनाया, माताओं को तो ज्यादा बीमार बनाया। मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चेज है रसोई घर से जुड़ी हुई, इन सबको ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है। और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया, जैसे वॉशिंग मशीन आ गई इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया, चक्की आ गई उसने, माने बिजली की चक्की आई उसने आपका शरीर श्रम घटाया, सिलबट्टे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से, हर जो चीज आई है, ओवन आया आपके यहां, माइक्रोवेव ओवन आया, फिर ये फ्रिज आया, इसने आपका शरीर श्रम घटाया। और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है, बागवती जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है, 60 के बाद, जब आप 60 के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाइए। 60 साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं, 18 से लेकर 60 साल तक शरीर श्रम चाहिए ही, शरीर श्रम चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहे। अब तो हमने पोछा लगाने वाला भी मशीन ले आया, झाड़ू लगाने वाला भी मशीन ले आया, रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया, चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया, रोटी को रखने वाला भी मशीन आ गया, अब सब कुछ मशीन आ गया, तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे। और आप हो गए हैं, पता है मशीन हम कैसे हो गए, जिंदगी का रस चला गया, आनंद चला गया। पहले घरों में काम करते समय जो रस था, आनंद था, वो सब चला गया। कैसे चला गया, मैंने बचपन का मुझे याद है, माताएं बहनें काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी,
अब वो काम ही बंद हो गया तो गीत भी बंद हो गए। अब किसी भी मां को पूछोगे 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पे क्या क्या गीत गाए जाते थे, याद ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो सिनेमा के गीत हैं उनका सीडी लगा के चला देते हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ तो चोली के पीछे क्या, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती क्या खंडाला, तो जाती क्या खंडाला, ये घर में बजाए जा रहे हैं कब, जब बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि मां को बच्चा पैदा होने के समय के गीत ही याद नहीं है, क्योंकि वो गीत गाने के लिए जो समय मिलता था काम करते करते वो समय चला गया तो गीत चले गए। शादी के समय क्या क्या गीत गाए जाते थे याद नहीं है, अब तो वो डीजे ले आते हैं और वीजे पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं, बड़ा साउंड बॉक्स और लगा दिया और ऐसा शोर कान फोड़ने वाला जिसकी न सुर न लय न ताल। तो हमारे यहां काम में आनंद था। देखिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात कह सकता हूं कि भारत की कोई भी मां शरीर श्रम से थक सकती है, बोर नहीं हो सकती। ये शब्द बोरियत भारतीय शब्द नहीं है, यह अंग्रेजों का शब्द है, हिंदी में वैसे का वैसे ही हमने ले लिया बोर होना। जी हम क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को मैं बहुत सुनता हूं, जी क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, जी बोर हो रहे हैं। अब बोर हो रहे हैं तो करें क्या, तो ले देके वो एक टीवी है चालू कर दिया, उसमें पोगो देखो, पोगो। अब पोगो में क्या है, वो और ज्यादा बोर हो जाओ तो पोगो की जगह कोई दूसरा देखो, लोगो या तीसरा देखो, वो सब आपको बोरियत में ही ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कुछ नहीं है, सब कुछ वन साइडेड है। और गीत गाने में इंटरेक्टिव है, ये एक साइड नहीं है, ये मल्टी साइडेड है। तो हमारी माताएं गीत गाती थी, हर समय के लिए गीत बने हैं। पापड़ बना रही हैं, बड़ी बना रही हैं, उस समय के गीत अलग हैं। मसाला पीस रही हैं, उस समय के गीत अलग हैं। शादी के लिए मसाला पीस रहा है, उस समय के गीत अलग हैं। शादी के लिए पापड़ और बड़ी बन रही हैं, उस समय के गीत अलग हैं। ये गीत इकट्ठे आजकल मैं कर रहा हूं, हजारों की संख्या है गीतों की, लेकिन इनको लिपिबद्ध हम नहीं कर पाए, किताबें नहीं छपी, इनकी नोटबुक्स नहीं बनी, तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या तिरोहित हो रहे हैं। इन गीतों में जो सुर है, जो लय है, जो ताल है, वो हर मां के लिए आसान है। हर मां उस सुर और लय और ताल में गा सकती है। आवाज का पिच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुर लय ताल वो सबको एक जैसा है, मालूम है, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम। धान की पौधे लगा रहे हैं तो अलग गीत है, धान काट रहे हैं तो अलग गीत है, धान को घर ले जा रहे हैं तो अलग गीत है। हमारे यहां हर काम के साथ गीत और संगीत है, क्योंकि बोरियत ना आए। और आज जो आधुनिकता में से निकला है, मॉडर्निज्म में से निकला है, इसने सब कुछ खत्म कर दिया तो बोरियत ही आएगी। समय आपका ले लिया तो बोरियत आएगी। तो बागवती जी कहते हैं कि आपका जीवन, ये अब उनका पांचवा सूत्र है, आपका जीवन जहां आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, माने आप मद्रास में रहते हैं तो यहां की जो आबो हवा है, जो यहां की तासीर है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। राजस्थान में रहते हैं तो वहां की आबो हवा तासीर से चलना चाहिए। तो हर आबो हवा और तासीर में खास तरह के गीत, खास तरह का संगीत, खास तरह का श्रम, ये हजारों साल पहले बना और विकसित हुआ है, ये वापस आएगा, मुझे इसके बारे में थोड़ी शंका होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो जरूर वापस आ सकता है। पर जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं उनका हम क्या बहुत करें? अच्छा, उसके लिए मैं एक विकल्प बताता हूं। जो बच्चे आपके सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं उनके लिए ये सूत्र कैसे अप्लाई होगा, मेरी विनती है कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेजिए। आप बोलेंगे जी खाते नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे खाएंगे वो खाना। हमारे शरीर की अपनी एक साइकिल है और वो साइकिल ये है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके 8 घंटे के बाद ही भूख लगेगी आपको। यह शरीर का अपना नियम है, तो बच्चों के ऊपर भी यही नियम है, पुरुषों के ऊपर, स्त्री सबके ऊपर। तो साइकिल शरीर की यह है कि खाने के 8 घंटे के बाद ही भूख लगेगी। तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजिए कि सुबह तक 8 घंटे पूरे हो जाए, माने अगले दिन शाम को ही खाना खिला दीजिए, रात को मत खिलाइए। शाम को 6 बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया, 6 बजे तक, तो 8-9 बजे तक सोने की नींद उनको आई जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जैसे ही खाना पच के रस में बदलता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है, और ब्लड प्रेशर बढ़े तो नींद आनी ही है,
रुक नहीं पाएंगे आप। तो शाम का खाना 6 बजे उनको खिला दीजिए, 8 बजे तक नींद आ जाएगी, और 6 बजे से 8 घंटा गिनेंगे तो सवेरे 4-5 बजे तक वो पूरा हो जाएगा। तो 4-5 बजे के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो वो खा के चले जाएंगे। रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बागवती जी का ये जो पहला नियम है ना, ये अभी मैंने आधा ही बताया। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श हर समय वो कहते हैं, खाते समय पीते समय रहना ही चाहिए। अब 6 बजे के बाद तो सूर्य प्रकाश रह नहीं सकता, और आप जानते हैं सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा परिणाम है विटामिन डी का निर्माण। सूर्य प्रकाश में ही विटामिन डी बनता है, तो जब तक ये सूर्य प्रकाश है तब तक खाना खाएं तो विटामिन डी मिले। सुबह के भोजन पे आगे बात करूंगा, सुबह का भोजन जितना हैवी हो उतना अच्छा। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, जितना पराठा, पूड़ी, जो जो पकवान, सब सुबह, सब सब सुबह। दोपहर का खाना थोड़ा कम और रात का बिल्कुल कम, शाम का बिल्कुल कम। तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल भेजिए, लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। जब वो घर आए तो दूसरा भोजन कराइए और शाम को 6 बजे तक तीसरा भोजन। तो मैंने कुछ बच्चों पर प्रयोग किया, शाम का भोजन बंद किया, सुबह उठते ही भूख लगती है उनको। ये तो प्रकृति का नियम है, लगे सारे जानवर सारे पक्षी उठते ही खाना खाते हैं। आप देखो चिड़िया है सुबह सुबह खाने पे लग जाएगी, गाय बैल भैंस बकरी सब सुबह खाने पे लग जाएगी, क्योंकि वो शाम को सूर्य के बाद खाना नहीं खाते। कोई गाय रात को खाना नहीं खाती, खिला के देख लो, जर्सी गाय को छोड़कर। जर्सी भारत की नहीं है इसलिए उसको भारत का पता भी नहीं है, वो रात को 2 बजे भी खा लेगी, लेकिन भारत की कोई भी गाय है, भारतीय नस्ल की गाय, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएगी। तो भारत की तासीर ऐसी है, इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिए, सुबह भरपूर भूख लगेगी। और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजिए, खाली पेट तो कभी मत। आपने कह दिया जी दूध पी के गया, दूध पी के गया माने एक तरह से खाली पेट, सॉलिड कुछ नहीं है। सॉलिड सुबह सुबह शरीर में जाना बहुत ही आवश्यक है, अगर भविष्य में आप उसको एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर से बचाना चाहते हैं। तो देखिए दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल हैं और प्रतिकूल हैं, बस इतना ध्यान देना है। अब इस बात को बागवत जी कहते हैं एक सूत्र में, अब आपने पूछ लिया तो वो सूत्र भी बन। वो ये कहते हैं कि जिस आबो हवा और परिस्थिति में आप रहते हैं उसमें रहते हुए जो परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है, और जो आबो हवा और परिस्थिति में आप नहीं रहते हैं वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है। अब मैं इसको और स्पष्ट करता हूं। यूरोप और अमेरिका में पिछले 100 साल में जितनी रिसर्च हुई वो उनके लिए बहुत अनुकूल है, उनके लिए। रेफ्रिजरेटर यूरोपियन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। जब मैं ये भाषण जर्मनी में दूंगा तो उल्टा ही बताऊंगा उनको, मैं कहूंगा जरूर रेफ्रिजरेटर लाओ, माइक्रोवेव ओवन भी रखो। उनके लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है। हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनुकूल होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चक्की है, चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है, पहले वो नहीं था आज हुआ है। हमने चक्की में बियरिंग लगा दिया है, पहले चक्की में बियरिंग नहीं होता था, खाली वो एक ऐसा लोहे का वो डंडी होता था और उसके चारों तरफ हम उसको चाक को घुमाते थे, बीच में लकड़ी का एक उसमें वो लगाते थे, वो लकड़ी का हमने निकाल के उसमें बियरिंग लगा दिया, ये भी परिवर्तन हुआ, ये हमारे अनुकूल बैठता है। क्योंकि बियरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। श्रम तो हो ही रहा है, लेकिन जितने श्रम में हम पहले 1 किलो आटा लेते थे उतने ही श्रम में अब 3 किलो आटा मिल रहा है, यह भी परिवर्तन है, लेकिन यह हमारे अनुकूल है। इसी तरह से और एक उदाहरण दो, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं पूना में, उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए में भी बियरिंग लगा दिया, परिवर्तन यहां भी हुआ, नई बैलगाड़ी बनी उसमें बियरिंग का पहिया है। अब उसका क्या हुआ कि बैल को खींचने में मदद हो गई,